बोकारो जिले के नावाडी में खेलो झारखंड प्रतियोगिता के दौरान और लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। प्रतियोगिता में शामिल होने के सुबह से आए कई बच्चे दोपहर तक भूखे रहे। जब इससे लेकर सवाल उठा तो आनन फानन के में सभी को भोजन भी परोसा गया तो बच्चों ने इससे लेकर शिकायत की, तो बीपीओ बचाव करते हुए बच्चों की शिकायतों को ही खारिज करते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। बोकारो जिले के नावाडी स्टेडियम में 3 दिवसीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो बच्चों ने दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बच्चे किस हाल में खेल रहे थे ये देखने वाला कोई नहीं था। खेलो झारखंड प्रतियोगिता के अंतिम दिन 5 सितंबर को बालक और बालिका वर्ग में खो खो और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हो रही थी। इसमें गुंजरडी, पलामू, परसबनी, बिरनी सहित कई स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे थे, लेकिन सुबह 9 बजे पहुँचे कई बच्चों को दोपहर 3 बजे के बाद तक भी भोजन नहीं दिया गया। यहाँ क्या कर रहे बाबू? खाने के इंतजार में। खाना अपन नहीं बना। खाना नहीं बना है? नहीं बना। कितने बजे आए थे स्कूल से? स्कूल से 10 बजे। कौन सा स्कूल से बाबू? पलामू। खेलो झारखंड में हम लोग को खाना नहीं मिला। और क्या दिक्कत है? और यहाँ का व्यवस्था लाचार है, अच्छा नहीं है। अच्छा, आप लोग को कितने बजे से खाना, आप लोग कब से आए और कब से कुछ नहीं? हम लोग सुबह 9:30 बजे से आए हैं। हाँ। और अभी लगभग 3 बज गए हैं लेकिन हम लोग को खाना नहीं मिला। हम लोग यहाँ आए हैं खेलो झारखंड के तहत, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ चीज़ की सुविधा ही नहीं है, ना खाना मिल रहा है। और क्या सुविधा नहीं है? बस यही खाना का ही। हम लोग सुबह से आए हैं तो कुछ मिला नहीं है। और क्या दिक्कत है? मेडिकल का भी खाना नहीं मिला। अभी हम आए, एक मैडम जो है लेकर आई थी इन लोग को जी। बच्चे करीब 10 बजे आए थे इसको से यहाँ आए थे घर के लिए, कबड्डी के लिए। तो बच्चों को कहना कि अभी तक हम लोग को खाना नहीं मिला है, हम लोग सही भूखे हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, सच है या झूठ है? तो बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चे लगभग बोल रहे हैं। एक तरफ बच्चे भूखे थे तो दूसरी तरफ बीपीओ खिचड़ी का भोग लगा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि बच्चों को भूखा क्यों रखा गया तो एक सिरे से इस बात को ही वो खारिज कर गए। बच्चा लोग आरोप लगा रहा है सर, बच्चा लोग का कहना है कि उन लोग को खाना नहीं मिला और आप खाना खा रहे हैं, तो इस पे कहां तक क्या सच्चाई है? ऐसा नहीं है, सभी बच्चे खाना खाए हैं और जो नहीं भी खाए होंगे वो खेलकूद कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इसके चलते नहीं खाए हैं। तो खा लेने के बाद खेलकूद करने में, खेलने में परेशानी होती है। बच्चों की माने तो स्टेडियम में पानी को छोड़कर कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, ना भोजन का पता था, ना ही मेडिकल की सहूलियत थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बद इंतजामी के माहौल में बच्चों को क्यों झोंका जा रहा है। बोकारो से TV45 के लिए